उसे हमसे छीन लिया ना, तब हर दुआ में पूछते गए क्यों, जवाब नहीं मिला हमें। और शुक्रिया तुम्हारी बातें सुनने के लिए। बार बार क्यों पूछते, इसके बारे में बात करूंगी ना तो मुझे वो सब कुछ याद आएगा जो मुझे बहुत तकलीफ। कथान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कथा कहेगी आरव से कि अब तो आप खुश हो ना, अब तो मैंने वही फैसला किया जैसा कि आप चाहते थे, जिस पर आरव कहता है कि क्या आप खुश नहीं हैं इस फैसले पे, क्या आप सरासर ये बात मेरे सिरे ही डालना चाहती हैं, क्या आप चाहती थीं कि आप व्यान के साथ लाइफ गुजारें, या आप चाहती थीं कि आप मुझे छोड़कर अपनी खुशियों को जिएं, जिस पर कथा कहती है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो शायद मैं कभी भी खुद को माफ़ ना कर पाती, लेकिन ये मैंने फैसला सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए मेरा मंकी ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं और हमारे लिए किसी तीसरे की कोई ख़ास जगह नहीं है, जिस पर आरव कहता है कि बिल्कुल अगर आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूँ तो आपको भी मेरी तरह ही खुश जिंदगी गुजारनी होगी, नहीं तो मुझे यही गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से मेरी मॉम ने अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया और अपनी खुशियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी और मेरी ही खुशी में खुश रहीं।